अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल मोहित। मोहित कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप क्या हो रहा है जिंदगी में? जिंदगी तो बेबस हुई है इस टाइम। सही बात है। अस भाई अस, मेरी भी अस भाई अस। आपकी क्यों? आप तो माशाल्लाह सही अर्निंग हो रही है आपकी। अच्छा, अर्निंग ही सब कुछ होता है? तो अर्निंग ही सब कुछ होता है आज के जमाने में। अगर बंदा लाख रुपए भी कमा रहा है ना, तो उसके एक्सपेंस 1,10,000 के होंगे। मैंने ना कहीं सुना था कि आजकल आपको पता है जो बहुत अमीर बंदा है ना, वो मतलब किसी को जानने वाले थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि ये बहुत पैसा कमा के भी ना वो बेचारे रात को कहते हैं अपनी बीवी को एक ब्रेड और चाय का स्लाइस, सॉरी एक ब्रेड का स्लाइस और एक चाय का कप दे दो। मतलब आपकी कॉन्सेप्ट अपना ठीक करें कि पैसा इज नॉट एवरीथिंग, जिंदगी में पीस होना बहुत जरूरी है। अब एक बाइक पे 3 दोस्त जा रहे हैं ना, वो जो इंजॉय कर रहे हैं ना, वो बैठी एंटी नहीं कर रही, वो परेशान है कि आगे मैंने क्या करना है, ये लाख रुपये आगे ये कहाँ इन्वेस्ट करूँ। अब हम मैंने माइजे में 60-60 रुपए हैं, हमने 3। आपने ये क्यों कहा मुझे कि आप तो अच्छी अर्निंग कर रही होंगी? तो आपकी बात जॉब है ना, आप हमारी जॉब है गोल्ड की। अब गोल्ड की आपको पता है, एक दिन कस्टमर आ गया एक दिन नहीं आया। आज का सैटरडे है, मतलब कि अर्निंग डे होता है, आज काम अच्छा होता है, लेकिन आज हम बेबस घूम रहे हैं। मैं परेशान हूँ कि अब काम कहाँ से आएगा, काम की टेंशन रहता है। कोई बात नहीं, आप अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि इंसान पे तो बंदा कोई भरोसा कर ही ऐसा ही है। आप जो है वो अल्लाह पे भरोसा रखिए, काम आपका चलेगा। और बेबसी जो है ना, मैं भी बहुत बेबस हो जाती हूँ। आप जिंदगी से बेबस लग रही हैं? मैं जिंदगी से बेबस कभी कभार नहीं, मैं ट्राई करती हूँ, मैं खुश रहूँ, और मैं सबको ये मशवरा देती हूँ कि सारे खुश रहे ना। वो हंस रहा है तो अभी जज नहीं कर सकते कि उसके अंदर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि लड़के की मुस्कुराहट पे कभी यकीन नहीं करना और लड़की के आंसू पे। ये बहुत बड़ी बात है अगर आप सोचें। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे मर्द जो असल में भी बेचारी रो रही होती है, उसका भी बिलीव नहीं करते हैं। असल में ना लड़की पे बिलीव करना ही नहीं बनता। क्यों? मर्दों पे भी नहीं करना पड़ता? बंदे जो है वो लड़की का करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। जितना दिमाग होता है ना, उतना लड़कों का खराब होता है। अब यहाँ से अंदाजा लगा ले, लड़की पे भरोसा बंदा कैसे करे? लड़का एक दफा किसी से, अगर आपने कभी कोई पागल जो होते हैं मलंग होते हैं, आपने कभी लड़की कोई मलंग देखी है? देखी है? नहीं, मैंने कभी नहीं देखी। मैंने हमेशा लड़के ही मलंग देखे। मैंने देखी है लिबर्टी मार्केट में एक मलंग औरत घूम रही है ना। अब मैं यहाँ से आपको लेके जाता हूँ, आपको लाइन से 4-5 मलंग नजर। आपको क्या लगता है वो मलंग क्यों है? क्या इश्क मोहब्बत में मलंग हो गए हैं? अब एक लड़की किसी को छोड़ के जाती है, कुछ होते हैं जो जिम वाली साइड पे चले जाते हैं, मीन्स की अच्छी साइड पे, किसी अच्छी साइड पे चले जाते हैं, कुछ होते हैं जो नशे पे लग जाते हैं। अब यहाँ पे मैं अभी आ रहा था, 4 लड़के बैठे थे आपस में, किसी ने प्लेट मारे हैं, कोई टीका लगा रहा है, क्यों? यहीं पे? हाँ जी। कहाँ है? मैंने भी मिलना हूँ। बहुत हाई स्टैंडर्ड की है, आप नहीं उनको मिल सकती, वो आपको साथ ही नहीं बिठाएंगे, उनके इतना लेवल है, क्योंकि नशे ही है ना। नशे का लेवल तो एक लेवल होता है। इस लड़के ने मुझे इतना डिग्रेड कर दिया है, मतलब ये लो पे लो मुझे मेरा स्टैंडर्ड ही इसने जो है लो कर दिया है। मैं बताना चाह रहा हूँ भाई, मैम मेरी प्रोड्यूसर जो है ना, कैमरा मैन मेरा, हमारा टारगेट आया मुन्नी शाही के पास, कहाँ है मुन्नी शाही? मैं बैठना चाहती हूँ उनके साथ। आप नहीं बैठ सकती उनके साथ, वो भी क्यों नहीं बैठ सकती? वो देख रही है वहाँ पे, जहाँ पे बस स्टैंड बना हुआ है वहाँ पे लेटे हुए हैं, वो बैठे नहीं हुए। लेटना पड़ेगा। तमीज़ी तो नहीं करते? नहीं, मैंने तो बात की है, मैं क्या हुआ? तो कहता है यार इसकी मशूक छोड़ गई है, उसके घर का मसला ये वो। इंटरेस्टिंग, चलो सही है, कुछ भी नहीं है, उनकी लाइफ खराब हो गई है। अब इंटरेस्टिंग क्या है? लड़की के पीछे नशे शुरू करते हैं लड़के, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि पाकिस्तान में लाहौर है ना, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में नशा हो रहा है 70%। भाई स्कूल में हो रहा है? स्कूल तो एक अलग बात है ना। अब यहाँ पे मैंने 3 देखे, उस दिन लड़की आई है वहाँ पे, ले रही है, कहती पेपर दे दो। अब वो पेपर एक होता है पेपर, वो बना के पीते हैं। हाँ, अब उसने पूरा पैकेट लिया, अब वो जला के हाथों सेकेगी नहीं उसे। आप खुद माइंड सेट यूज करें, आप जैसी सेम मींस के लेंस लगाए हुए हैं, फुल फैक्शन ये वो, क्या सही भी अच्छी बात है। आप नशा ना किया करें। मैं कोई नशा नहीं करती हूँ। चले फेस से पता मेरे फेस से पता लग रहा है कैसे? वो अच्छे वक्तों में आपका लाज हो गया ना, अगर लाज ना हो तो बंदा नशे में लग। ये लड़का बहुत फास्ट चल रहा है, ये अपनी प्रेडिक्शंस बनाई जा रहा है। फास्ट होना पड़ता है, आपको पता है पाकिस्तान तो एक लहरा मुल्क है ना, बंदा पाकिस्तान है, लाहौर में अगर बंदा फास्ट नहीं है ना तो लोग जितने कमजोर तुम लग रहे हो, लगता है तुम पीते हो। मुझे इनकी इन्फॉर्मेशन है, मैंने ये मतलब कि स्टडी की हुआ ना, मैं मेडिकल पढ़ रहा था तो उसमें सारा पता लगा कि यूनिवर्सिटी में नशा हो रहा है, 80% ना नशा कर रहा है, जिसमें से 50% लड़कियाँ। 50% क्यों? मेरे बेचारे जो पेरेंट्स देखने वाले उनको डरा रहे हो? उनको बता, उन्होंने अपनी बच्चियाँ इतना ट्रस्ट करके भेजी हुई है, वो अगले दिन कह रही हूँ बेटा नशा तो नहीं करती। तो उंगलियाँ जैसी नहीं होती ना, अभी एक छोटी है एक बड़ी है, उसका मतलब बड़ी वाली नशा कर रही, छोटी ठीक है, आप छोटी हो। चलो सही है। मुझे बताओ कि वो कौन सा ऐसा दिन है
जिस पे नाराज से नाराज बीवी भी उस दिन राजी हो जाती है। कोई गिफ्ट लेके जाओ, वो कहती ठीक है। जो शादी हुई भी है? नहीं, गर्लफ्रेंड है। अच्छा, खुद है, देख अपने काम सही नहीं है के? गर्लफ्रेंड है, मैंने उसके साथ। गर्लफ्रेंड हलाल काम है? तो मैंने उसके साथ कौन सा डेटों पे जाता हूँ। शादी करो ना उससे, प्रपोज करो। इंशाल्लाह आपको बुलाऊंगा। क्या नाम है लड़की का? नाम नहीं बता सकता। यहाँ देखे, यहाँ पे शोरों की आके ना जिसको बीवी बनाना होता है इज्जत का सवाल आ जाता है ना। वैसे जब वो नई गर्लफ्रेंड बन रही होती है, कहते हैं यार देख तेरी भाभी, तेरी भाभी ये जो है ना, ये जमीला शकीला, ये तेरी भाभी। तस्वीर भी नहीं दिखाता ना किसी को, टू पर्सनल यू नो, कि बंदा अगर किसी को प्यार कर रहा था, वे दिल से करे ना। कोई जिम शिम जाओ, सेहत तो बनाओ अपनी। मैंने हफ्ता पहले स्टार्ट किया तो आपस में पहन के घूम लो। ये डोलियां है तुम्हारी, पकड़ाऊं? चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इसकी पूरी कोशिश थी मुझे रोस्ट करे, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे मैं लोगों को करती हूँ इस तरह, ये आज कोशिश पे आया था कि मुझे रोस्ट कर दे।